हो गई तैयारी। आ रहे हैं। अरे हाँ भाई, खोल रहे हैं। सरप्राइज, सरप्राइज। हाँ, अरे तू नहीं बदली, हम जानते नहीं ये कौन आ रहा है। बहुत मिस किया तुझे, बहुत मिस किया। अम्मी मैंने भी आपको बहुत मिस किया है, लेकिन ना किसी ने मुझे कुछ खिलाया नहीं। आपके हाथ का खाना खाना है मुझे बहुत। अरे हाँ, पहले अंदर तो हाँ। एक मिनट पहले जाके हाथ मुंह धो लो। हाँ चलो, सैनिटाइजर लगा है। सैनिटाइजर नहीं चलेगा। चलो वैसी है, अभी भी वैसी ही है। आ जाओ जल्दी, खाना इंतजार कर रहा है। हमारा टॉयलेट क्या? पहले हमें लिया। अरे यार तुम अभी भी बच्चों की तरह लड़ती रहती हो। बैठो बैठो। दुनिया में दो ही चीजें बेस्ट है, अम्मी और अम्मी के हाथ का खाना। वाओ। अम्मी बहुत मिस किया आपको, पता है बहुत मिस किया। हमने भी तुझे बहुत मिस किया। सोच, पूरे 6 साल बाद ऐसे सामने आ रही है। हमें तो लगा था कि तुझे देखे भी नहीं हम ऊपर ही। अम्मी कैसी बातें कर दिया आप, सारा खाने का मूड किरकिरा कर दिया। अम्मी आपको तो हमारी दुआ डिस्काउंट में मिली है। हाय हाय, सारी नौटंकी यहीं कर लो। बैठ। अम्मी। अच्छा हसीना, वैसी आफत की परकाला तुझे मिली कहाँ? हाँ तूने तो कहा था कि इसकी फ्लाइट शाम को ही आ गई थी। आ चुकी थी, लेकिन मैडम को हीरो बनने जाना था ना, तो चली गई अकेले मिशन पर। हम मौत के मुँह से बचा कर लाए ने। हम बचा कर लाए। हम बचा कर लाए। बकवास, जैसे कि ये नहीं आती तो पता नहीं अम्मी मेरा क्या होता। हाँ, ऐसा कौन सा चक्रव्यूह है जिससे नैना माथुर नहीं निकल सकती? कुछ भी अगर सच में कुछ हो जाता तो। मुझे कुछ होने देती है? अब कौन कर रहा है नौटंकी? खाना खाओ चुपचाप दोनों। तो रुक, हम देखते हैं। थैंक यू। पता तुमसे ज्यादा मैं अम्मी के लिए आई हूँ यहाँ पर। वैसे तुमने बताया नहीं कि ऑफिशियल विजिट के लिए आई हो। बताती हूँ, पहले खा लो मैडम सर। हसीना! हसीना! अम्मी! अम्मी! अम्मी क्या हुआ? ये देखो। हमें डरा दिया आपने खामखा। ऐसे कोई छोड़कर जाता है क्या? हमें डर लग रहा है हसीना। अच्छा ठीक है ठीक है, डर लग रहा है। हाँ, हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं क्या है इसमें, कुछ है तो नहीं। अरे क्या कुछ है तो नहीं, क्या बिल्कुल नहीं बदलिया। अरे क्या ऐसे बिना सोचे समझे किसी भी चीज को हाथ लगा लेती हो? समझा करो, नैना के शहर में आने से पहले नैना के आशिक शहर में आ चुके हैं। उन्हीं में से किसी आशिक से कर लेती शादी। अब तक आशिकों से शादी कौन करता है? वेलकम एसीपी नैना माथुर, चेरी की तरफ से लखनऊ में आपका स्वागत है। मेरे आने की खबर चेरी तक पहुंच चुकी है। इस चाहने वाले तक पहुंचना आसान नहीं होगा। बिना आवाज के नहीं खा सकती। अच्छा बात है, परेशान करती हूँ। जैसे कि तू सुन रही है, शहर में जाली नोटों का मार्केट फिर से एक्टिव हो गया है। पता है इन सब के पीछे कहते हैं कि कोई चेरी नाम का शख्स है जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, लेकिन पता है उस क्रिमिनल को किसी ने नहीं देखा। मतलब वो काला है, गोरा है, बूढ़ा है, जवान है, किसी को नहीं पता। बस सिर्फ एक नाम पता है, चेरी। और डिपार्टमेंट ने उसे ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हें दी है, करेक्ट? यस ऑफ कोर्स, द ओनली वन, सुपर हॉट, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर क्वीन नैना माथुर। ओ सुपर कॉप, ठीक से खाना भी नहीं सीखा अभी तक, ये क्या है, पूरा बेड गंदा कर दिया। हसीन, मैं यहाँ देश की सफाई की बात कर रही हूँ और तुम्हें अपनी बेड की सफाई की बड़ी है। कैसी पुलिस वाली हो तुम। साफ सुथरी, रिस्पॉन्सिबल। और वैसे भी हमें नहीं लगता कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ फेक करेंसी का है। हमें लगता है जितना दिखाई दे रहा है ये मामला उससे बड़ा है। तभी तो सुपर कॉप नैना माथुर को भेजा है डिपार्टमेंट ने। वाओ, कितने इंटेलिजेंट हो तुम। सी, तुम्हारे डिपार्टमेंट को तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है, वरना अब तक तो तुम रॉ की चीफ होती। काश आप डिपार्टमेंट में होती। बाय द वे, वैसे तुम सही कह रही हो। क्या ये जो चेरी नाम का क्रिमिनल है, क्राइम ब्रांच को पूरा यकीन है कि ये अपना ब्लैक मनी टेररिज्म एक्टिविटी में लगा रहा है। और सुनो, ये देखो, ये जो चरंदास है चेरी का राइट हैंड है, जिसका मैंने मोबाइल डेटा लिया था। हमें साइबर सेल जाना पड़ेगा। एक सेकेंड, बाय द वे, जो आपके आशिक आए थे जो टेडी बेयर देकर गए हैं, ये उसका सीसीटीवी फुटेज। तो ये चेरी हो सकता है। हाँ, इतना बड़ा मास्टरमाइंड क्रिमिनल खुद आएगा ना इस तरह का रिस्क लेकर। लेकिन हमें यह जरूर लगता है कि इस आदमी के जरिए चेरी तक पहुंचा जा सकता है। तो अभी हमें इसको ढूंढना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ढूंढना पड़ेगा। अब डिपार्टमेंट ने तुम्हें यहाँ भेजा है हमसे मदद मांगने के लिए, तो हम तो मदद करेंगे ही ना। बाय द वे, डिपार्टमेंट ने मुझे नहीं भेजा, मैंने उनको कहा कि मुझे तुम्हारे यहाँ से काम करना है। ठीक है, बहुत अच्छा किया। अब चलो हटो, अब सफाई करने दो, हमें सोना है। ये लो पकड़ो। वैसे सफाई से एक बात याद आई, मैं तुम्हें साफ साफ कह दूं कि मुझे नींद में हाथ पैर चलाने की आदत अब भी है, हम जानते हैं अच्छे से। हटो, हमें सफाई करने दो। ये देखो क्या बच्चों की तरह सब गंदा करके रखा है। वैसे एक बात बताएं, हम भी सोच रहे हैं कि एक नई आदत डाल लें, रात में गन साथ में लेके सोने की। हाँ, चलो कुछ तो नया कर रही हो तुम। हसीन हसीन दैन चुराए सबका चैन। अरे आइए आइए, जल्दी आइए। इसको हाँ, हेलमेट कहाँ है हमारा? एक मिनट, नवाब जी से मिलने नहीं जा रहे हैं हम, थाना जा रहे हैं। इतना लिपस्टिक पोत के आई हैं आप। ठीक तो है, और क्या आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? जरा देख तो ले, हम कुछ रह तो नहीं गया। मैडम से इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है हम पे। नैना मैडम के साथ रहना है तो हमें भी तो अच्छा दिखना पड़ेगा ना। अरे बॉडीगार्ड हैं हम उनके। बॉडीगार्ड भी किसको बनाना। देखो, जो गोलगप्पे खा खा के एकदम फूक गया उसको बॉडीगार्ड बना दिया। 4 लाइन के बाद जो आपने, लगता है उसको बॉडीगार्ड बना दिया। लल्ला के पप्पा, देख रहे हैं आप, आपकी लाडली कलयुगी कलमुही बहू हमारा अपनी सास का अपमान कर रही है। अपमान नहीं कर रहे हैं हम, अपमान नहीं कर रहे हैं हम। आपको याद दिला रहे हैं कि जिनको बॉडीगार्ड बनाया है नैना मैडम के गार्ड के लिए, उनको खुद को दवाइयों की सुरक्षा गार्ड का जरूरत पड़ता है। इसलिए इतना फुलफुलाइए मत, थोड़ा आराम से, ठीक है? कहाँ जा रही है? अरे बीपी की दवाई लेना भूल गए ना हम। आइए, चलिए चलिए, जल्दी कीजिए, पुष्पा जी बहुत लेट हो रहे हैं। अरे भैया आ रहे। दरवाजा तो बंद कर ले। सुनिए ना, ताला चाबी कहाँ है? कहाँ? वहाँ। अरे वहाँ रोज एक ही सवाल करती हैं, ताला चाबी कहाँ है, ताला चाबी कहाँ है। वैसे पुष्पा जी, हमें मैडम सर और नैना मैडम का दोस्ती जो है ना, वो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्या हुआ? एक बार बताओ, 6 साल बाद कोई दोस्त आपस में ऐसे मिलता है क्या? हमको बीच में बिठा के ना, जो आपस में दोनों लड़ी कि क्या बताएं हम आपको। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों का कुछ हिसाब है जो वो चुकता कर रही हैं। दोस्त ऐसे ही होते हैं, कभी जानी दोस्त तो कभी जानी दुश्मन। आप क्या समझेंगे दोस्ती क्या चीज होती है? कभी किसी को दोस्त बनाया हो तो ना, बनाया है और उससे शादी भी किया है, आपके नौनिहाल अल्लाह से। दोस्त एक ही होता है पुष्पा जी, बाकी सब भीड़ होता है जो हम एक अपने आसपास इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि हमें अकेले रहने से डर लगता है। इसलिए हमारे दोस्त सिर्फ लल्ला है और हमें बाकी यार दोस्त का जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों होगी जरूरत? हमारा लल्ला ही तो है जो आपको झेल सकता है ना, आपको झेलता है। क्या बोली आप? क्या बोली? अब देर नहीं हो रही है, चलिए जल्दी। तो कैसे चले? तो ये स्टार्ट होगा तो ना चले। अब ये भी हमें ही करना पड़ेगा। मरवाइए, हमसे धक्का मरवाइए, रोज गाड़ी को पकड़िए। चलिए, ठीक है, आप गाड़ी संभालिए। शिव जी। नैन, क्या सरप्राइज, हसीन सरप्राइज है, पूछो मत। चलो चलो, थोड़ा कुछ तो हिंट दो। सवाल पूछना बंद कर दो। अच्छा प्लीज प्लीज, गिराना मत मुझे। नैना, क्या 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 है तुम्हारा सरप्राइज? ये है, ये क्या है? ये क्या है? क्या दिख नहीं रहा है? क्या है? चलो बैठो। कहाँ चलो? सुनो, ओ मैडम, हम ऐसे जो हैं, हम इस तरह से इसमें बैठकर हम ये नहीं कर सकते। ओ तो मैं भी एसीपी हूँ, समझी ना? याद है कैनॉट प्लेस में जब मुझे ऊंट पे भगाया था, तब? उस बात को इस बात से कैसे कनेक्ट कर सकती हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अभी। बैठो, चलो बैठो, चलना पड़ेगा। बैठो। अरे भैया, पुष्पा जी। इकबाल, अरे इधर आना इकबाल। अरे इधर देख, क्या हो गया? अरे पुष्पा जी की हालत तो देख कैसी हो गई है। हमने पहले ही बोला था, इनके साथ रहते रहते मानसिक संतुलन का बिगड़ जाएगा। देखो बिगड़ गया। बताएंगी कैसे हुआ? ज्यादा बोलते हो क्या तुम? यही बार सीधे सीधे नहीं बोल सकती थी, जब देखो ऐसे ही बताती है। ज्यादा मत बोला करो। और आपको कहा था ना कि कसके पकड़ के बैठी है हमें। हाँ, कसके पकड़ कर बैठी। कैसे कसके पकड़ कर बैठी? ऐसे ऐसे चलाता है कोई भी बाइक। अपनी सास की सास रोकने का, उसे प्रताड़ित करने का, उससे प्रतिशोध लेने का, उसे अपमानित करने का और कोई तरीका नहीं मिला आपको। क्या बताए तुम दोनों को? घर से यहाँ तक आने में हम साक्षात यमराज के दर्शन करते। क्या बताए, अगर अगर हमें कुछ हो गया ना तो हमारा लल्ला आपको छोड़ेगा नहीं। गलत बात है ये तो। ए भाग भाग, छोड़ के तो दिखाए वो। और हेलमेट कहाँ है? उड़ गया। का? उड़ गया। सुना हमने। कैसे उड़ गया भैया? कैसे उड़ गया? आप जिस रफ्तार से बाइक चला रही थी ना, अरे हम खुद को संभालते हैं या हेलमेट को? अपने आप को। वही किया हमने। क्या टोपा गई है क्या आप? नहीं मतलब गैर कानूनी काम काहे करवा रही है? अभी चालान कट जाता ना हमारा। एक मिनट, पुलिस वालों का भी चालान कटता है क्या? हाँ कटता होगा। यहाँ ये चालान कट गया। चुप रहो ना। और आप ठीक से नहीं बाइक चला सकती थी। आपको पता है ना कि आपकी बाइक पे पीछे एक अबला नारी बैठी। अरे बाइक का पूरा हवाई जहाज बना दिया। कैसे? कैसे कैसे क्या कैसे कैसे? और थाना प्रमुख से पहले हमको यहाँ पहुँचना था, आके देखना था कि जितना भी हमने तैयारी किया है वो सही है कि नहीं है। नैना मैडम आने वाली है ना, इसलिए। एक मिनट, ये वो लग रहा है ना सीसीटीवी फुटेज वाला लड़का? हाँ मुझे भी वही लग रहा है। ए, रुक, ए, रुके, ए, रुक, 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 ए, रुको, हटो, हटो। हटिए, हटिए, रास्ते से हटिए, हटिए प्लीज, हटिए। कहाँ गया? निकल गया। हमने कहा था कि ये फटफटी और ये बाइक किसी काम की नहीं, लेकिन तुम्हें तो किसी की सुननी नहीं होती है। रस्तोगी सर बिल्कुल सही कहते थे कि तुम तब भी उल्टी खोपड़ी थी, अब भी उल्टी खोपड़ी। देखो निकल गया हाथ से। हसीन, मुझे क्या पता था ये टेडी बेयर वाला आशिक अभी यहाँ पर मिलेगा। हम क्या गोलगप्पे खाने आए थे यहाँ पर? हाँ, और रस्तोगी सर। हाँ ठीक है, व्हाटएवर। रस्तोगी सर से याद आया, वो भी तुम्हारे कोई कसीदे नहीं आते थे, वो भी तुम्हारे पीठ पीछे। सुनो तो, तुम तो रहने दो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। सुन तो लो रस्तोगी सर, तुम्हारे सर कितनी तारीफ करते हैं। तो बात करना सीखो। सुनिए। जय हिंद मैम। जय हिंद, जय हिंद। क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? मैडम कोई नो पार्किंग में पार्किंग करके चला गया है। देखिए, हम SHO हसीना मलिक है, महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। ये हमारी ही गाड़ी है, तो जरा देखिए क्या हो सकता है। कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा बस। क्या मैडम, पुलिस वाले ही हो क्या? आप कानून तोड़ रहे हैं। देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। शमशेर सिंह, क्या है ना, हम कुछ काम से गए थे, तो होता है, छोड़ दीजिए। कैसे कैसे काम से गए थे? हाँ हाँ, यहाँ पे पार्क करके हम गोलगप्पे खाने गए थे। आप काटो, आप चलान काटिए। क्या कर रही हो, हम बात कर रहे हैं ना। अरे क्या बात कर रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसका आज दिन ही खराब है। हसीना मलिक से चलान काट रहे हैं। सुन सुन, सिंह साहब इधर आइए, आइए। सिंह साहब आपको पता है जी। ये ट्रैफिक की रोटी हम भी कर चुके हैं, पता है, हम भी यहीं पे थे जी। आपको पता है एक बार मंत्री की बेटी किडनैप हुई थी, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सुनो, हमने गाड़ियों को जाने दिया है। अच्छा। पुलिस पीछा कर रही थी, हमने नहीं रोका। क्यों? क्यों देखो, क्यों नहीं रोका, ये देखो तरक्की। उसके बाद तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की, तरक्की कर तुम काटो चलान। अरे रहने दीजिए मैडम, आप जाइए ना मैडम प्लीज। ठीक है सिंह साहब, और आप क्या जाने दीजिए, आप यहाँ पे चलान काटने के लिए खड़े हैं, वहाँ पे ट्रैफिक जमा है पूरा, कौन ध्यान देगा वहाँ पर? प्लीज जाइए। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? क्या कर रही यार? हसीना चालानी तो काटा था, कौन सा जायदाद मांग रहा था तुमसे? समझती नहीं हो आप, जब देखो हर जगह अपनी मनमानी करती रहती हो यार। दिल्ली में जाओ, हर बच्चा बच्चा गली गली में लोग जानते हैं। कहे थे हम मैडम सर से कि ट्यूबलाइट बदलना आपका काम नहीं है मैडम सर, हमको करने दीजिए, लेकिन नहीं, बेस्ट फ्रेंड के आने के उत्साह में सारा काम खुद ही से करना है। तो देख के पता चल रहा है कि बल्ब नहीं वायरिंग का दिक्कत है, वायरिंग। हाँ ये देखिए तार पूरा खुला हुआ है इसका। और बैंड, कोई बैंड वाला आया अभी तक? नहीं नहीं नहीं, मैडम सर ने खास कर बोला था कि बैंड वाले टाइम से पहले आने चाहिए, वो नहीं आए अभी तक। कहाँ है बैंड वाले? हमसे क्या पूछ रहे, हम तो आप ही के साथ आए ना। चीते। हाँ चीते। जय मैडम। क्या हो रहा है भैया, लाइट काहे बंद है, क्या हो गया? मैडम ये आप ही के टेबल के ऊपर वाला जो ट्यूबलाइट है ना, वो खराब हो गया था, इसी को ठीक कर रहे थे। हम अभी यही काम कर रहे हो यहाँ पे, बाकी का काम कब होगा चीते? हो जाएगा मैडम, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे मैडम आप ऊ लेकर आई कि नहीं? अरे सूरजमुखी का फूल। मैडम इस बार जड़ेला फूल मत लाइएगा आप है। वो भी तो ऑर्डर करना है, और वो जड़बेला फूल नहीं है, वो जड़बेरा फूल है, समझे? बाप रे मैडम, कोई जानवर घुसा है। एक सेकेंड, हम हैं हम। तो कंफर्म हो गया जानवर। क्या कंफर्म हो गया? चलो क्या रिपोर्ट कोई लिखवा। हाँ चाय दो हमें। अरे हाँ रे, इतना अंधेरे में कहाँ चाय रखो? हाँ रखो चाय, हमारे लिए रखो, बहुत अंधेरा है ना? हाँ दिखाई नहीं दे रहा है यार। चलो अभी जल्दी जल्दी काम करना, बहुत काम बाकी, मैडम सर आने वाली होगी, समझ रहे सब बात को? कुछ दिख गीता भाई क्या? अरे ये ऑन आपने किया तो बंद कीजिए जाके। कहाँ से? जहाँ से ऑन किया पुष्पा जी। ठीक हो? ठीक हो? ठीक लग रहे हैं क्या? तुम क्या मर गए हो क्या दोनों की दोनों? चलो अभी बहुत सारे काम है, चलो 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 जाओ। जाओ बैंड वाले को बुलाओ। हाँ। नैना माथुर, ये है हमारा महिला पुलिस थाना और ये है हमारा छोटा सा परिवार। आप इनसे तो मिल ही चुकी हैं, सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम। जय हिंद। और मैडम इना ओरिजिनल सूर्यमुखी का फूल है, जबड़ीला फूल नहीं है। जरबेरा फूल आपका जबड़ीला। व्हाटएवर, थैंक यू थैंक यू। वैसे दरोगा जी, तुमको किसने बताया कि हमें सनफ्लावर्स पसंद है? जिन्हें पसंद करते हैं उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं हम। आपकी पसंद की सारी चीजें यहाँ पहुंच गई हैं। वैसे मुझे एक बात बताइए कि आप इनसे इन्फ्लुएंस है या ये आपसे इन्फ्लुएंस है? क्योंकि कभी कभी तुम इनकी तरह बात करती हो या तो ये तुम्हारी तरह बात करती है, गड़बड़ क्या है? इनसे मिलिए, ये है पुष्पा सिंह, हमारे थाने की सबसे सीनियर हेड कांस्टेबल। जय हिंद मैडम। जय हिंद। वैसे बहुत क्यूट हो। लल्ला के पापा भी हमें दिन भर क्वीट क्वीट बुला करते थे। लल्ला के पापा? लल्ला के पापा मतलब इनके लेट हस्बैंड। ओ, जब तक आप यहाँ हैं ये आपके साथ रहेंगी पुष्पा जी। हाँ हाँ, आपकी बॉडीगार्ड। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये है चीता चतुर्वेदी, कांस्टेबल कम विमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। औरतों के मनोविज्ञान से रिलेटेड कोई भी केस होता है तो हम इनकी मदद लेते हैं। थैंक यू मैडम, स्वागत है। थैंक यू। जय हिंद। बिलवा मंगल जी, ये बिलौटा है। हाँ। बिल्लू चंपत, हम लोग के थाना का मुफ्तखोर कैदी है। नहीं नहीं, ये तो बिलवा मंगल जी है ना? हाँ बाबा जी। माँ क्या माँ? वैसे आपको कैसे पता? दिल्ली से हम इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं ना, थोड़ी बहुत है ना। वैसे लखनऊ शहर से ये हमारा इंट्रोडक्शन करवाएंगे है ना, क्यों बिलवा मंगल जी? हाँ हाँ हाँ, करवाएंगे करवाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.